आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में हुए हजारों करोड़ के घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए घोटाले के विरोध में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा की योगी सरकार में गरीबी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह वन अधिकारियों द्वारा किए गए लगभग हजारों वोट देकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पानी पहुंचाने हेतु उपाय सप्लाई का कार्य रश्मि माटेकिल नाम के कंपनी को दिया गया। इस कंपनी का प्रचार एवं नेतृत्व पाइप बनाने के लिए पुराना इतिहास रहा है। केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया था कि ये कंपनी फर्जी निवेश व फर्जी सेल कंपनी बनाने में भी लिप्त है। मध्य प्रदेश में पंजाब व पश्चिम बंगाल समेत देश के 8 राज्यों व सेना के द्वारा इस कंपनी को भ्रष्टाचार एवं निम्न गुणवत्ता के कारण ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इसके बावजूद सरकार द्वारा ऐसी कंपनी को कार्य की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? ऐसे में आम आदमी पार्टी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुआ। तौफीक खान की रिपोर्ट। पार्टी उत्तर प्रदेश, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 1,20,000 करोड़ की, उसमें 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उसके प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह के ऊपर सीधा आरोप है कि उन्होंने प्रतिबंधित ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कॉन्टेक्ट किया है। उनके अधिकारी जिलों में लिख रहे हैं कि रश्मि मेटालिक से आप पाइप खरीदिए, जबकि आपके उत्तर प्रदेश में भी तमाम कंपनियां जैसे जिंदल आदि कंपनियां हैं जो कि अच्छे गुणवत्ता युक्त पाइप भेजती हैं। और रश्मि मेटालिक का रिकॉर्ड ये है कि लगभग सभी प्रदेशों में वो ब्लैक लिस्टेड है, यहां तक कि सेना ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो क्या मंशा है कि वो इस तरह के काम को कर रहे हैं? जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के निगरानी में SIT की जांच होनी चाहिए, नहीं तो CBI की जांच हो, और इस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अपना परिचय बताओ, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मुकेश सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, भाई मनवन पर दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, निकलो घरों मकानों से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।